एमपी के इंदौर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता अपनी 5 साल की बच्ची को होमवर्क न करने पर सिगरेट से जलाता था। आरोप है कि सवालों का जवाब न दे पाने पर बच्ची को बेरहमी से पीटा जाता था। बच्ची की माँ भी पिता का साथ देती थी। मामला तब सामने आया जब पड़ोस में रहने वाले एक 12 साल के बच्चे ने मासूम की रोने और चीखने की आवाज सुनकर चाइल्ड लाइन संस्था को जानकारी दी। पुलिस ने अब आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के मुताबिक 2 दिन पहले पिता ने उसे इतना पीटा कि डंडा तक टूट गया। पीड़ित बच्ची को फिलहाल चाइल्ड लाइन संस्था भेज दिया गया है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो पिता को 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और फ्रांस के रियूनियन आइलैंड पर एक ज्वालामुखी फूट गया है। फटने के बाद से ज्वालामुखी से लगातार पिघला हुआ लावा निकल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने वहां पहुंचे 250 से ज्यादा लोगों को ज्वालामुखी के नजदीक जाने का मौका दिया। महज 30 मीटर दूर से ये लोग दहकते उगलते लावा को देख सकते हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर जिस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब लोगों ने सामने से इन्हें देखा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए। दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक इसे माना जाता है और इसे देखने का मौका कम ही लोगों को नसीब होता है और इन लोगों को हुआ जो यहां पहुंच पाए।